हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो बहुत ही खूबसूरत है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस विद्या बालन 1 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। विद्या ने साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म परिणीता से बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने अपनी दमदार अभिनय से खास पहचान बनाई थी। विद्या बालन ने अपने अब तक के फिल्म करियर में कई सारी हिट फिल्में दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने प्रोड्यूसर पति सिद्धार्थ राय कपूर की किसी फिल्म में काम नहीं किया। तो दोस्तों, विद्या बालन के फैंस हमेशा से यह जानने के लिए बेकरार रहते हैं कि वह अपने पति के साथ काम क्यों नहीं करती। हम आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। एक इंटरव्यू के दौरान विद्या बालन ने इसकी वजह बताई थी कि वह पति के साथ काम क्यों नहीं करना चाहती। विद्या ने कहा था कि क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे अपने निर्देशक और निर्माता के साथ कोई समस्या हो सकती है और हम बहस कर सकते हैं, लेकिन रियल में मैं लड़ाई नहीं करती, लेकिन मैं सिद्धार्थ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं उससे बहस भी नहीं करना चाहती। मुझे भी लगता है कि ये सेफ है, हमें काम नहीं करना चाहिए, इससे हमारे रिश्ते काफ़ी सही और टेंशन फ्री होंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि ऐसा कई बार हुआ है कि जबकि सिद्धार्थ और उन्हें कोई स्क्रिप्ट पसंद आ गई थी, लेकिन दोनों में से किसी एक ने उसे छोड़ दिया। विद्या ने यह भी कहा था कि वह अपने पति से अपने मेहनताने को लेकर मोल भाव भी नहीं कर सकती। बता दें कि विद्या बालन ने 22 दिसंबर को प्रोड्यूसर राय कपूर से शादी रचाई थी। सिद्धार्थ की ये तीसरी शादी थी, जबकि विद्या बालन की पहली शादी थी। तो आशा है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।